और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसा से विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा। विधायक गोपाल कांडा और मैनेजर अरुणा चड्ढा भी बरी कर दिए गए। गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला चल रहा था और राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा फैसला, विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, यह है बड़ा जो फैसला है आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। और इस मामले में सिरसा के विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। दरअसल 11 साल पहले का यह मुकदमा है और इसमें गीतिका शर्मा दिल्ली की एक लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया था। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जो आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई आपराधिक मामलों में जो मुकदमा दर्ज किया था और यह मामला लगातार 11 साल से चल रहा था और अब इस मामले का फैसला आ गया है। अभी हितेंद्र पूरी डिटेल आना बाकी है, लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी मिली है उसमें गीतिका शर्मा जो आत्महत्या मामला था इसमें गोपाल कांडा को और साथ साथ अरुणा चड्ढा भी इसमें एक आरोपी थी, उनको भी जो है बरी कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है सिरसा के लिहाज से भी और समूची हरियाणा की राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें इस मामले में मीडिया ट्रायल बहुत बड़ा था और अब जो ये मामला इसमें एक बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया है, तो ऐसे में बड़ी राहत जो है वो पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा को निश्चित रूप से मिली है। जी केंद्र, कितनी बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए इस फैसले को, क्योंकि तमाम तरह की बातें कही जा रही थी इस फैसले को लेकर के। निश्चित रूप से किसी भी मामले को लेकर जिसमें खासतौर पर जब कोई राजनीति का बड़ा चेहरा होता है तो उसको लेकर जो है कई तरह के मीडिया ट्रायल चलते हैं। इसी तरह के यह मीडिया ट्रायल था, एक पूरा जो इसको हाइप किया गया था पूरे मामले को उस समय भी जब मामला आया था। यह दरअसल 5 अगस्त 2000 दायरे की बात है, दिल्ली की गीतिका शर्मा थी उसने सुसाइड कर लिया था और एक नोट छोड़ा था जिसमें आरोप लगाए गए थे। लेकिन इसमें ऐसे मामलों में हितेंद्र सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होते हैं, परिस्थिति जन्य अपराध जिन्हें कहा जाता है, साक्ष्य जिन्हें उन साक्ष्यों की जरूरत होती है, तमाम मामले चलते हैं और लगातार 11 सालों से यह मामला चल रहा था। और इस मामले में अब क्योंकि गोपाल कांडा को राहत मिल गई है, सिरसा के विधायक हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं, तो ऐसे में एक बड़ी राहत राजनीति के लिहाज से भी और गोपाल कांडा के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन दोनों के लिहाज से एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। और एक बड़ा फैसला है जिसमें गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया, साथ साथ अरुणा चड्ढा सह आरोपी थी उन्हें भी इस मामले में बरी कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित, सिरसा से विधायक हैं और पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा। फिलहाल ये बड़ी खबर और बड़ी राहत की खबर है सिरसा विधायक गोपाल कांडा के लिए, उनको बरी कर दिया गया इस केस में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा बरी कर दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट से ये बड़ी राहत सिरसा विधायक गोपाल कांडा को मिली है। सिरसा से विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है।